ढाई साल का वक्फा पैन के बाद दोबारा बनी थोड़े लोगों नाल सारे नाल मिलने का मौका मिले। मैंने इस बात की बड़ी खुशी है और मैं बड़ा अच्छा लगता है कि बनी च बैठ के तो सू अपना बचपन जवानी पिंड वाला याद आ जाता है। तो सू लगता है कि साढ़े वर्गे भाई बंधु सारे बैठे हुए हैं। रिशंडी जी साहब जो थोड़े को वैसे भी गायब गायब मुलाकात करते रहते हो जिस तो जम्मू जाने हो, उन्होंने अलावा आई जी हैडक्वाटर भीम सिंह टूटी जी तो पता नहीं मिल सके कि नहीं। कुछ अरसा डी आई जी जम्मू कठुआ रहे तो उस वे इन्होंने बनी का दौरा किया कि नहीं किया मैं नहीं पता। इस अलावा एस एस पी साहब और सतीश जी जो सिविल की तरफों थोड़ा इतना का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, डी डी सी मैंबर, वी डी सी चेयरपर्सन और बुजुर्ग साथी लोकल नेता जोड़े इतों के बहुत सारे लोग जोड़े ने जाने पछाने लगते हैं। और मैं अच्छा लगता है कि वक्फे के बाद ही सही घट्टो घट एक दूसरे का हाल चाल पूछने का मौका, इलाके की खबर लैन का मौका जोड़ा वो मिले। सब तो पहले तो मुबारक है कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल हालात बड़े बेहतर हुए हैं, पर खास तौर पर उन्होंने सारे हालात के बेहतर होने के नाल नाल कठुआ बनी बसोली बिलावर ये सब लोगों ने कितना साथ दिता है, तुसी सारे मुबारक के हकदार हो। वरना मैं अज याद आ रहा सी मैं हैलीकॉप्टर च बैठे हो नक्शा कट के बैठे होया सी ते पुराने इलाके देख रहा सी जेडे कठुआ के उत्ते थोड़ा जिहा किसले बदनुमा दाग दी तरे भी लभदे सन। मैनू ये भी याद आ रहा सी कि जदों इत्थों दे दो चार मिलिटेंट बंधु इधर उठ के कदे डुडू तो कदे बसंतगढ़ इधर आर पार उधर इधर तो दो बंदे जिहड़े बदनामी की वजह बने सन, मैं उन्होंने नाम भी याद कर रहा कि भाई वो दो भाई कितना लंबा अरसा साढ़े इलाके लिए बदनामी का जिहड़ी वजह बनते रहे। अज तुहाड़ियां पहाड़ियां धारां डोकां सब देख के उपरों बड़ा अच्छा लग रहा है और जिस वेले माहौल अच्छा हुंदा हालात अच्छे हुंदे ने तो सारियां चीज़ां सोहणियां लगदियां, हालात माड़े हुंदे तो सोहणियां चीज़ां भी खराब लगनियां शुरू कर देंदियां ने। आदमी नूं अपने आप तो डर लगना शुरू करता, अपने पड़ोसी तो गुआंढी तो डर लगना शुरू करता है। मैनूं इस गल की खुशी है कि इत्थों दा भाईचारा तुहाड़ा आपसी जिहड़ा बड़ा जबरदस्त है और वह जबरदस्ती रहना चाहिए। मैं पहले भी देखता सी कदे कदे छुटपुट कोई हरकत कम्यूनल लैवल दे उत्ते हो जाती सी, पर मिलिटेंसी दे दौर विच भी एक इत्थों दा माहौल वक्रा सी कि लोकल लैवल दे उत्ते इत्थों दे टेररिस्ट ने मैनूं लगता है कि ज़्यादा कार्रवाइयां लोकल पॉपुलेशन दे नाल नहीं कीतियां, अगे पिछे जाके वादे घाटे बहुत करते सी। मैं लगता वह भी एक भाईचारे की निशानी सी कि मिलिटेंट की जरूरत भी नहीं सी हुंदी कि अपने आंढ गुआंढ अपने उस पड़ोस विच इदां दी कोई हरकत करे। और दूसरी वड्डी गल ये सी कि तुसीं आप भी बड़े सतर्क रहे हो ते तुसी जिस वेले कोई इदां दी गल हुंदी सी उहदी खबर साढ़े कोल पुजदी सी। आखिरी मैनूं याद है कि जो मैं डी आई जी सी 2001 तो लैके 3 ताईं तो उदों बचिया खुचिया एलीमेंट जिहड़ा सी उहनां नूं खत्म करन दा मौका मिलिया। आई जी दे टाइम ते तो मैनूं नहीं लगता कि कठुआ दे विच कोई मिलिटेंसी सी, 11 तो लैके 14 च मैनूं नहीं लगता कि कोई। हुण दोबारा थोड़ी जी कोशिश होई जिद्दां ए डी साहब ने जिक्र किया कि फिर तो पुराने कोई एलीमेंट जिहड़े किसी ने मिलिटेंसी नाल रहे सी उन्होंने फिर तो जिंदा करके उन्होंने किस ना किस तरीके का काम लिया जाए। ये गल चिंता का विषय भी है और थोड़े सारे लिए मैं लगता है कि जिम्मेवारी भी है कि अगर कोई इदा कोशिश दोबारा होंगी है कि पुराना कोई एलीमेंट जो जेल शेल कट के वापस आके घर परिवार बैठा है जिन्हों असी लोग सारे समझन लग गए हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है भाई उसको कोई खतरा नहीं हो, अगर अजे भी कोई इदा एलीमेंट आस पास मौजूद हो सारे की खतरे की वजह हो सकता। देखो समाजिक भाईचारा जोड़ा आपसी वो एक बंदा भी अगर माड़ा निकलता ना तो पूरे भाईचारे के उत्ते असर पैदा, इस करके तुम भी अपनी जगह होशियार रहना। इस बाद असी लवंग वाली साइड पर भी चक्कर मार रहे हैं, अगे सरथल भी जा रहे हैं, फिर अच्छ डोडा भद्रवाह गंदो वाली साइड भी जा रहे हैं। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, तो सब तो पहले ये कि 2020 मेरा पिछला दौरा होया थले वाली ग्राउंड थोड़ी सारी भर गई थी कि एस पी ओ भर्ती होनी है, डी जी भर्ती होनी है, तो उस वे समझाना पाया कि भाई वो डी जी भर्ती पहले होया करती थी, असं कोशिश करते हैं कि डी जी भर्ती दोबारा हो, पर माहौल बदलिया थोड़ा निजाम च रूल भी बदले ने तरीका भी बदलिया कम करन दा,
ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। बिलकुल मतलब अच्छा लगता है, नेक लगता है। ठीक है साढ़े छे चलो 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 तो जेडे जायज मसले ने थोड़िया जरूरत उन्होंने हमेशा असं मतलब अप्रीशिएट करते हैं, समझते हैं। एक दो चीजा होर भी आई कि असी हिमाचल नाल साडा वट बन्ना लगता है, सरहद ते नहीं कहांगे क्योंकि साढ़े अपने लोग ने साढ़े अर्गे ने सरहद उस पार है। असी वो भी नहीं चाहते कि सरहद रहे, असी उस सरहद में भी टप्पना चाहते हैं। बार बार दिल करता है तो लगता है असी टापी जानी है किसी दिन उस सरहद भी असी मटाण का इरादा रखते हैं। मन लगता है कि एक वक्त आएगा कि उधर भी लोग साढ़े बड़े रह गए ने, उन्होंने नाल मनाने का वक्त भी आएगा। वो वेला भी किसी ना किसी वे मन लगता है कि जरूर पूरा होएगा। वो चौकिया थाणिया की जी गल की कि चौकी डुगर च भी होनी चाहिए है, गगन च भी होनी चाहिए है। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਖੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਚੌਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਦੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। गल चिरागों की हुई तो वो मैं लग्या कि बई कदे कदे चिराग जो तेल ज़्यादा पैन लग जाता ना तो डुलना शुरू कर देता। तो असी चिराग तेल पाते रहे तो खीर वो चिराग डुलना शुरू हो गया। तो पहले सारियां नूं थोड़ा जिहा मौका मिलता सी उहदे च उंगली दबोई के तेल थोड़ा लाणदा, तो बाद चो आदमी ने सोचा कि भी हुण मेरी जेब च आ गया, हुण डायरेक्ट टू बेनीफिशरी वाला खाता आ गया तो मैं दूए नूं नहीं हुण हाथ लाण देना। इस करके वो गलती असी आपू ही की है। तो उस गलती का हुण हल यही है कि जिहड़ा खमियाजा आ गया पर उहदा फायदा भी हो गया। तो हुण मजबूरी वो बन गई कि हुण अपने आप ही वंडिया गया, हुण मंगण की लोड़ ही नहीं कि भाई वंडदा कि नहीं वंडदा, हुण आप ही वंडिया गया। इस करके वो जो होया बड़ा अच्छा होया, वो चंगा होया, वो कोई माड़ा नहीं होया। बाकी SPO मैं फिर तो याद दिला दा कि जदों मैं DG जॉइन किया तो सारे बेचारे 6000 ही सी, तो 6000 ही पैदा होंदे सी ते 6000 ते ही मरदे सी। असी 6000 तो उन्होंने 18000 ते पहुँचाया, 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, 12 भी हो गया, 15 भी हो गया, 18 भी हो गया। ज्यों ज्यों उन्होंने नौकरी साल साल बढ़ती है तो नाल नाल तनखा भी जां सैलरी जां ऑनरेरियम कहो जो भी वह भी बढ़ता जाता। हुण साडी कोशिश है कि 15 साल तो वध नौकरी वालियां नूं भी अग्गे दीआं स्लैब्स मिल जाण, 18 तो 21 भी हो जाए, 24 भी हो जाए। उहदा इक तरीका है, इहनूं आपां कहीए कि रैगूलर कॉन्सटेबल दे बराबर अगर कर देना तो फिर असी सारे सिपाही बना दिए, फिर SPO रखने की लोड़ है। हर किसी का अपना अपना काम है, अपने अपने तरीके नाल चलना पैंदा। फिर भी असी ख्याल रखांगे कि SPO नूं और जिहड़ा फायदा दिता जा सकता वो जरूर फायदा दईए। उहदे वास्ते सानूं आप खुशी हुंदी है क्योंकि साढ़े बच्चे ने साढ़े नाल काम करते ने। पहले SPO शहीद हुंदा सी कि मिलिटेंसी जां बाकी, तो 2 लाख रुपया दे के बेचारियां नूं घर बिठा देंदे। अज तुहानूं पता है किन्ना पैसा असी दे रहे हां अपने तनखावां चों कट के? 34 लाख रुपया देने हां। कोई मजाक नहीं है, पहले सिपाही नूं 34 नहीं सी मिलता, सिपाही नूं अज 70 लाख देने हैं। रब ना करे कोई किसी की जान जाया होवे, पर अगर इदा हुंदा है तो असी इत्थों तक पहुँचाया कि अज वो रकम जी किसी भी सूरत में बच्चे भुखे नहीं मरते। और ये भी कोशिश करते हैं अगर कोई हो गया तो बच्चे नूं गाह नौकरी शौकरी छोटी मोटी दी जा सके। तुहाडे सामने मिसाल है अज्ज दी, इस करके जिन्ना भी किया जा सकता असं अपने महकमे का अपने लोगों का सोचते हैं। तुहाडे सारियां दीआं जिहड़ियां भी चीज़ां जिहड़ियां तुसीं कन्वे कीतियां ने वो सारियां नोट होईयां ने, उहदे चों कुछ चीज़ां जिन्हां तों असीं एग्जामिन करके ही कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हां ते देख लांगे। अज्ज दी महफिल च महिलावां दा खास तौर पर बहुत वड्डा पार्टीसपेशन है, मैं इन्हां नूं मुबारकबाद देना। अगे तो मैं लग रहा कि देश की सब तो बड़ी पंचायत दे विच भी इन्हां दे गिनती वधण वाली है, उहदे वास्ते भी बिल पास हो गए ने। तो इस करके हुण अगे जा के भी बहुत मुल्की सतह के उत्ते भी
मुल्की सतह के उत्ते भी इन्हों की गिनती जी वधनी है। और बड़ी खुशी की गल है कि जिते महफल च तुस लोग बैठे हो, जिते मर्द लोग बैठे ने उत्थे साडी करदियां औरतां भी बच्चिया भी नाल जिहड़ियां ने साडे चल रही, इन्हों का बराबर हक बनता है। और मैं पुरजोर इन्हों के हक च हमेशा कोशिश करना कि जिते जिते असी लोग अगर चलने हैं ये भी नाल नाल साडे चलने चाहिए ने, उन्होंने नाल बराबर का हक है। क्योंकि जिम्मेवारियां तो 50% चक दियाँ, जिम्मेवारी ज़्यादा तो मतलब फायदा थोड़ा मिलता, इस करके इन्हों भी बराबर के फायदे जो मिलते रहने चाहिए ने। तुम पुलिस के जोड़े एहलकार अफसर इतने लगे थे उन्होंने बारे अच्छा किया, मैं बड़ी खुशी हुई इस गल की। और SHO साहब को खास तौर पर शाबाशी देना है कि तुम सारे ने तारीफ की है टीम की। बाकी DSP कुड़ियार इतने लगे पुराना अफसर है साडा, SSP साहब मेहनत करते पे ने, लोकल अफसर साढ़े जोड़े लगे वो भी बड़ी मेहनत करते पे ने। मैं इन्होंने सारियां तुहाड़ी तरफों भी शाबाशी देना चाहना, बच्चे अपनी तरफों जरा ऑर्डर की कापी पकड़ाओ तो फिर इस दे नाल ही असीं समाप्त करांगे।